चलिए आगे बढ़ेंगे और पानीपत से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां दमकल विभाग के दफ्तर में सीएम फ्लाइंग का छापा, दफ्तर में नहीं लगे थे सीसीटीवी फुटेज, फूम टेंडर के ट्रंक भी खाली मिले। दमकल विभाग की गाड़ियों का फटा हुआ था टायर, एक उद्यमी ने की थी अग्निशमन विभाग की लापरवाही की शिकायत। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि पानीपत में ये सामने आया, जहां दमकल विभाग के दफ्तर में सीएम फ्लाइंग का ये छापा है, दफ्तर में नहीं लगे थे सीसीटीवी कैमरे, फोम टेंडर के टैंकर भी खाली मिले हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरिया जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कई बार से जो शिकायत है वो की जा रही थी दमकल विभाग की व्यवस्था को लेकर, जहां सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ा है दमकल विभाग के दफ्तर में। पानीपत औद्योगिक शहर है, यहाँ आग लगने की घटनाएं फैक्ट्री में बहुत होती रहती है जी। पिछले दिनों एक फैक्ट्री में शाम को आग लगी, तो वहाँ हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो लोकल चैप्टर के चेयरमैन है विनोद धमीजा, उन्होंने फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया, लेकिन डेढ़ घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई थी। तब तक फैक्ट्री जल गई थी और उसके साथ लगती फैक्ट्री दूसरी भी जल गई, दोनों फैक्ट्रियां खाक हुई थी। उसके बाद विनोद धमीजा जो हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पानीपत चैप्टर के चेयरमैन है, उन्होंने गुस्सा दिखाया था बड़े अधिकारियों में। मीडिया में रिपोर्ट आई कि इतनी इनकी लापरवाही के कारण पानीपत की इंडस्ट्री जलिए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, मतलब लापरवाही बरत रहा है फायर डिपार्टमेंट। उसी के बाद ये एक्शन हुआ है, सीएम फ्लाइंग की टीम आई, उन्होंने फायर ब्रिगेड का जो ऑफिस है पानीपत का उसकी पूरी चेकिंग की। दरअसल आग को जल्दी बुझाने वाली एक तकनीक होती है, टेंडर फोम कहते हैं उसको, फोम टेंडर कहते हैं। वो फोम टेंडर का टैंक खाली था और जो गाड़ी फोम टेंडर लेकर जाती है आग बुझाने, उसका टायर भी फटा हुआ था। लापरवाही की, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, बहुत सारे जो अप्रूवल्स ली जाती है एनओसी फायर डिपार्टमेंट से, बहुत संस्थान लेते हैं, स्कूल कॉलेज रेस्टोरेंट होटल फैक्ट्री वाले एनओसी लेते हैं फायर डिपार्टमेंट से, तो वो उस मामले में भी गड़बड़ी है और 55 संस्थानों ने वायलेशन किया हुआ है। उनको बार बार नोटिस दिए गए लेकिन उन पर एक्शन नहीं हुआ, तो तमाम तरह की कमियां जो पाई गई उसकी रिपोर्ट बनाकर सीएम फ्लाइंग अपने साथ लेके, और उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा एक्शन फायर डिपार्टमेंट पानीपत विभाग पर होगा। जो भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही है, दफ्तर में मेंटेनेंस नहीं है, सफाई नहीं है, बहुत तरह की तमाम तरह की कमियों की रिपोर्ट अब सीएम फ्लाइंग बनाकर लेगी, लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जी। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि अगर जो ये अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से प्रॉपर फिट नहीं होंगी, तो जहां पर अगर पहुंचना है, जिस जगह कोई हादसा हुआ है या आग लगी है, तो उसमें काफी ज्यादा डिले भी हो सकता है, और अगर टाइम पे नहीं पहुंचे तो बड़ा हादसा होने की संभावनाएं भी बन सकती है। तो इनको पूरी तरह से फिट होना चाहिए, जो जितने भी पेपर्स हैं, या फिजिकली तौर पर फिट होना चाहिए गाड़ियों को भी। बिल्कुल, ये देखिए, ये मामला वैसे तो फायर डिपार्टमेंट की लापरवाही कई बार होती है, कई बार सामने आती है कि देर से पहुंचे, क्योंकि आजकल टेम्परेचर ज्यादा है, आग तुरंत भड़क जाती है, हवा भी चल रही होती है, तो कहीं फैक्ट्रियों में ज्यादा आग लगती है क्योंकि वहाँ केमिकल वाला सामान होता है, कॉटन होता है, कपड़ा धागा, ये आग को जल्दी पकड़ता है। थोड़ी सी आग लगते ही, क्योंकि आजकल हवा भी कई बार चल रही होती है मौसम के हिसाब से, वो आग फैलती चली जाती है। दो दिन पहले जो केस हुआ है फैक्ट्री में, जब आग लगी तो फायर ब्रिगेड डेढ़ घंटे बाद वहां पहुंची, जैसा ये कह रहे हैं इंडस्ट्री से जुड़े लोग। अगर डेढ़ घंटे तुरंत गाड़ी पहुंचती तो आग को बुझाया जा सकता, बस डेढ़ घंटे में फैक्ट्री तो जली गई लेकिन उसके साथ जो फैक्ट्री थी वो भी पूरी तरह जल गई। तो ये गुस्सा तभी सामने आया कि इनकी लापरवाही के कारण इतना नुकसान हो रहा है, तभी मेरे को लगता है मीडिया में रिपोर्ट आई, हो हल्ला हुआ, तो अभी सीएम फ्लाइंग की टीम आके रिपोर्ट बनाकर ली गई है, और लगता है कि जिस तरीके के हालात हैं कोई बड़ा एक्शन होगा जी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।